नमस्कार दोस्तों, एक कविता पढ़ने जा रही हूँ आपके लिए अपने नवीनतम संग्रह कविता संग्रह जो कि मेरा चौथा कविता संग्रह है उसे सुबह से। ये कविता मैंने निर्भया कांड के बाद लिखी थी। उस वक्त मैं कनाडा में ही थी और तमाम किस्मों की राजनीति से सामना हो रहा था मेरा, इमिग्रेशन और तमाम तरह की देशज राजनीति से भी। तो कविता सुनिए और कविता में बहुत सी बातें आएंगी। आप ये कोरोना की शाम को भी इसमें जो बातें आएंगी, भयानक आर्थिक खाइयों की है ना, वो आज के समय में बहुत उभर कर सामने आई हैं। तो एक बार फिर से उस कस्म का दर्द उभरा है। चंबल। चंबल एक नदी है, पता नहीं कितनी चंचल, कितनी गहरी, चौड़े हैं पाट उसके और बहुत उतरने लायक घाट उसके। शांत सी उसकी मुस्कुराहट है, स्थिर सी गति, अदृश्य सा लगभग प्रवाह है, जबकि बहुत विस्तृत सिंचाई का इलाका, बलुई से पठार हैं। पर बात ये कि चंबल के डाकों के किस्से किंवदंतियां नहीं, बात ये कि भयानक लड़ाई और उनसे आत्मसमर्पण करवा लेने के बाद ये फिर कौन सा समय ला रहा है संसद भवन उस औरत की हत्या की मूक घटना स्थली बना, जिसने बलात्कार के बदले जाने ली खुद। चंबल को जिसने अगम में बनाया, ठीक है कि पहले से डाकुओं के आतंक की थरथराहट थी, पर ये कैसे आतंक की वापसी है, रॉबिन हुड से फर्क, नए किस्म के आतंक की, अत्याचार के ढाए जाने और उसके बदले की, नेताओं के पास अमाप्य धन के जमा होने की और लोगों के पास चुपचाप उसके जमा होते रहने को देखने का आतंक, एक अद्भुत समय के आगमन का आतंक जिसमें बैंक खातों के पन्नों की कोई सीमा न हो और आसपास प्रिय जन इतने कि सवाल न उठ सके, और बलात्कार फिर से अस्त्र बनता है जाने किस किस्म के युद्ध का, और बहती है चंबल क्योंकि वह नदी है, और बहती है चंबल क्योंकि वह नदी है, चंबल घाटी का संबल, भले उसकी मुख्य धारा या उसके विलय बिंदु यमुना की स्थिति ज्यादा राजनीति ग्रस्त है, राजधानी से बहती हुई जबकि केवल एक बड़े शहर कोटा से होकर गुजरती है चंबल, और कोटा नामक सबसे प्रसिद्ध चीज़ है साड़ी, लेकिन और भी कितने अंदाजों से छूती है चंबल मेरी आपकी जिंदगी को। बसी बसाई बस्तियों को भी, चौरासी गढ़ किले को अपनी यात्रा में लपेटती, विंध्याचल में अपने उद्गम से होकर मालवा तक के अपने उतार में तीन राज्यों की सीमाएं छूती, भेदती, मापती अरावली की ऊंचाई, बहती है चंबल की कहती है चंबल, कुछ खाली भी रहने दो जमीन की सांस लेती है पृथ्वी। तो शुक्रिया दोस्तों सुनने के लिए, और आशा है कि कविता आपको पसंद आएगी। नदी पे है, अगर हम नदी के माध्यम से बहुत सी बातें कह रहे हैं तो पर्यावरण की चिंता तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन स्त्री की आज़ादी और उसकी सुरक्षा के साथ साथ जो भयानक आर्थिक विषमता वर्गों में स्त्रियां महिलाएं मदर्स डे के अगले दो तीन दिन के बाद मजदूर जो हैं वो ट्रेन से कटकर मरे, वो सो रहे थे पटरियों को सिरहाना बनाए, अब इससे ख़राब समय और क्या होगा। आर्थिक और तमाम तरह की प्रगति की दृष्टि से केवल एक सरकार को दोष नहीं दे रही हूँ मैं, ये सामूहिक बात है, इसलिए बहुत चिंतन की ज़रूरत है बहुत से लोगों को। आशा है कि आपको कविता पसंद आएगी। धन्यवाद। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।